हेलो फ्रेंड्स, मैं राजाऊ छपरा बिहार से। देखिए, इस वीडियो में आपको एक नोटिफिकेशन दूंगा, जो नोटिफिकेशन मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की तरफ से के बारे में बताऊंगा, जो 3 से 7 तारीख के बीच में जो ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा था 3 मई से 7 मई के बीच में, बिहार के ओनली फॉर बिहार कैंडिडेट के लिए जो सुजान ITI की तरफ से निकली हुई नोटिफिकेशन थी, जो 9 तारीख को एग्जाम और 10-11 तारीख को इंटरव्यू लेकर के सबको बताया गया कि कॉल या मैसेज का इंतजार करें। जो किसी के पास कॉल जा रहा है, किसी पर मैसेज नहीं जा रहा है, ठीक है। दरअसल बात ऐसी है कि मैं आपको एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि ओनली तत्काल ज्वाइनिंग 20 दिन में ज्वाइनिंग आपका हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार 20 दिन का 10 दिन में ज्वाइनिंग हो चुका है, ठीक है। मतलब कि आप लोग बहुत सारे लोगों का एग्जाम इंटरव्यू हो के कम्प्लीट है, ठीक है। बस आपको ज्वाइनिंग करना है, मतलब RT-PCR का मैसेज आपके पास जा रहा है, आकर के ज्वाइनिंग कीजिए। और लगभग 3 बैच का ज्वाइनिंग हो चुका है, जो 9 तारीख का एग्जाम जिनका हुआ है, 9, 10, 11 तारीख को जो एग्जाम और इंटरव्यू हो चुका है, 3 बैच का ज्वाइनिंग हो चुका है और 20 तारीख का एक बैच और आ रहा है। तो बैच टू बैच आपको बुलाया जा रहा है, ठीक है। कॉल और मैसेज का इंतजार करें, बस 2-4 दिन बस मोबाइल पे ज़्यादा ही फोकस रखें। कॉल का और मैसेज का, कॉल का तो मिस करना ही नहीं है। कई बार क्या होता है कि कॉल आता है और मैसेज नहीं आता है, ठीक है। हालांकि मैसेज भी जाता है, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से अगर आपके पास मैसेज नहीं गया, ठीक है, आप कहाँ पर कंप्लेन करोगे, कंप्लेन नहीं कर पाओगे। इससे बेहतर है मोबाइल को चार्ज रख के अपने पास रखें, कॉल रिसीव करें। जो नंबर 2 नंबर से कॉल जाता है ज्वाइनिंग के लिए, मतलब RT-PCR के लिए, RT-PCR के 24 घंटे के अंदर में अगले दिन आपका ज्वाइनिंग हो जाता है TW या CW में, ठीक है। तो अभी आपको वहाँ पे TW में ही ज्वाइनिंग होगी, मतलब मारुति सुजुकी कार प्लांट में ज्वाइनिंग होने वाली है आपकी। तो जिनके पास मैसेज आ जाता है तो मैसेज लेकर के आप आ सकते हैं RT-PCR के लिए, दिल्ली गुड़गांव से अपना अलियर चौक मारुति गेस्ट हाउस, ठीक है। एक वीडियो में आपको बताया हूँ कि इसमें आने में कैसे कैसे आना है, एड्रेस और जो भी कुछ आपको प्रॉब्लम होगा RT-PCR करने आ रहे हैं तो वो वीडियो देख लीजिएगा। और जितने लोग का मैसेज नहीं गया है, बस कॉल और मैसेज का इंतजार करें। 20 तारीख का एक और बैच आ रहा है ज्वाइनिंग करने के लिए, तो उनका भी ज्वाइनिंग लगभग लगभग हो ही जाएगा 20 तारीख का, ठीक है। और लगभग लगभग बहुत सारे लोग मिल रहे हैं कि हाँ, हमारा ज्वाइनिंग इसी मंथ हुआ था, ठीक है। मतलब कि 3 बैच तो हो गया ज्वाइनिंग, बस अब एक बैच और आएगा और 1-2 बैच में आपका सुजान ITI वाला कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी लोग सुजान ITI वाले हैं कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो अभी निकली हुई थी CW के वैकेंसी निकली हुई थी, जो ओनली फॉर राजस्थान कैंडिडेट के लिए ही था, ठीक है। कहीं बताया नहीं गया है कि ओनली फॉर राजस्थान कैंडिडेट के लिए है, लेकिन जब फॉर्म भरने जा रहे हैं तो वहाँ पे ओनली फॉर राजस्थान कैंडिडेट, मतलब कि राजस्थान का ही ऑप्शन शो हो रहा है, और डेमोसाइल में जो आ रहा है वो ओनली फॉर राजस्थान ही आ रहा है, मतलब कि राजस्थान ही दिख रहा है। तो इससे हम लोग पता कर रहे हैं कि ओनली फॉर राजस्थान कैंडिडेट ही भर पाएंगे उस फॉर्म को। तो जैसे ही, मतलब एक बार और ऐसे ही हुआ था महाराष्ट्र के लिए, कहीं बताया नहीं गया था लेकिन उसमें 4 ऑप्शन ही शो हो रहा था, महाराष्ट्र और कुछ कुछ राज्य थे। तो ऐसे आप, मतलब कि आप देखना पड़ेगा पहले कि हाँ वहाँ पर क्या शो कर रहा है, उसके बाद देखने के बाद आप लोग को बताएंगे कि हाँ कहाँ के लिए ये वैकेंसी है, ठीक है। तो आप लोग बस चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी ज़्यादा जानकारी करने के लिए कमेंट कीजिए। सभी कमेंट का मैं पढ़ता हूँ और बाकी मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। और अगर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, बहुत सारा लिंक होगा, एग्ज़ाम कैसे दें, इंटरव्यू कैसे दें, आने में क्या दिक्कत परेशानी हो रही है, बायो में उसमें जाकर डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, ठीक है। सारा प्रॉब्लम का समाधान किया गया है। और एक और बात, हाँ, अगर आप रेफ़र अर्न करना चाहते हैं, मतलब एक रेफ़र करके, मतलब ये एप्लीकेशन का नाम है ऑपस्टॉक, जो कंपनियों जो डीमेट अकाउंट ओपन करती है, अगर आप अपने ID बना लेते हैं और किसी और को ID बनाते हैं, मतलब अकाउंट ओपन करते हैं, तो आपको मिलेंगे 800-1200, जैसा ऑफर रहेगा वैसा मिलेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर इंस्टाग्राम पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपको प्रॉपर गाइड करूंगा जो आपका अकाउंट ओपन करने में, फिर आपको बताऊंगा कि आपको फिर कैसे कैसे करना है। अकाउंट ओपन करना है, देन एक ट्रेड करना है 10-20 रुपये का, उसके बाद फिर अपना आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर इंस्टाग्राम पे चैट में। अभी अभी आपको बताएंगे कि अभी आपको डिस्प्ले लेकर दिखाएंगे कि कुछ लोगों का ज्वाइनिंग कैसे कैसे हुआ है, कब फॉर्म भरे थे और कब उनकी ज्वाइनिंग है। तो चलिए अभी मोबाइल स्क्रीन पर और स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ, फिर आपको भी कुछ वहाँ से आपको कुछ हेल्प मिलेगी। तो देखिए, हम आ गए हैं मोबाइल का स्क्रीन पे, जहाँ पे आपको लेके चलेंगे, जहाँ पे आपको बताया जाएगा। ये देखिए सोनू मौर्या जी हैं, जो इन्होंने बताया है कि 10 तारीख को
ओरिजिनल मार्कशीट आईटीआई कॉलेज में जमा है तो फोटोकॉपी लेकर, मतलब कि कहने का मतलब सुनो जी का यह है कि सुजान आईटीआई में 3 से 7 के बीच में ऑनलाइन फॉर्म भरा था, 9 तारीख को एग्ज़ाम, 10 तारीख का इंटरव्यू हुआ था और ये 20 तारीख का ज्वाइनिंग हुआ है विथ प्रूफ। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ओके भैया 9 तारीख को यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हुए हैं जो 3 से 7 के बीच में फॉर्म भरे होंगे, ठीक है। 9 तारीख को यहाँ पे आप सुजान आईटीआई में गए होंगे, एग्ज़ाम हुआ होगा, फिर देखिए क्या चैट हुआ है, हेलो ब्रदर, जो सुजान आईटीआई में एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में वो लोग हेल्प भी करते हैं, मैं बोला हूँ हाँ क्योंकि मैं वीडियो में ओपनली बोल नहीं पाया था कि वो लोग हेल्प भी करते हैं। तो प्रिय उम्मीदवार फिर 10 तारीख एग्ज़ाम 9 तारीख को पास कर गए हैं और 10 तारीख का इंटरव्यू हुआ है, वैसे आप लोग का भी एग्ज़ाम और इंटरव्यू पास कर गए होंगे, वेट कर रहे होंगे, कुछ लोग का ज्वाइनिंग हो गया है, कुछ लोग का 20 का ज्वाइनिंग होगा या फिर एक दो बैच में और आप सभी का ज्वाइनिंग हो जाएगा बहुत ही जल्द, वेट करें। और भी आप देखिए थोड़ा और अब देखिए नीचे यह क्या मैसेज भेजे हैं, प्रिय उम्मीदवार मारुति सुजुकी में आपकी TW की ज्वाइनिंग आ गई है, इसके लिए आपको RT-PCR टेस्ट कराना होगा जिसके लिए मारुति सुजुकी ने नीचे दिए हुए पते पर व्यवस्थित किया गया, मतलब कि यहाँ पे पता दिया गया है, रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे मारुति अलीगढ़ गेस्ट हाउस जो है विक्रम स्टैंड के पास, एक प्रॉपर वीडियो बना दिए हैं, उस वीडियो के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं आने में क्या खर्च लगेगा, कैसे कैसे आना होगा, क्या समय लगेगा, ठीक है, क्या क्या लेकर के आना है यहाँ पे ये देख सकते हैं, मतलब कि 20 तारीख का इनका RT-PCR और 21 तारीख का ज्वाइनिंग हो जाएगा। आज की जन तारीख है, आज 19 तारीख है यानी कि कल, ठीक है। तो ये आप लोग एक प्रूफ देख लिए, ठीक है, इनको ये वाला वीडियो भेज दिए थे कि आप लोग देख करके और कन्फर्म हो लेंगे। ऐसे ऐसे मैसेज बहुत आया है, मतलब कि कुछ लोगों का तो ज्वाइनिंग हो गया है, कुछ लोग का ज्वाइनिंग होने वाला है, भाई का 20 का ज्वाइनिंग होने वाला, कल बहुत लोग का ज्वाइनिंग होने वाला है, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाए हैं विथ प्रूफ कि 10 दिन में ज्वाइनिंग हो गया, मैं एक उस वीडियो में बताया था कि 20 दिन में ज्वाइनिंग हो जाएगा आपका, लेकिन विथ प्रूफ 10 दिन में ज्वाइनिंग हो गया।